Hello viewers, welcome to Easy Mehndi Classes. If you like my video, please subscribe my channel and don't forget to like and share it. आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा मेहंदी का जो है वो बंच लेकर आई हूँ. बहुत ही प्यारा फ्लावर का ये बंच है. बनाना बहुत ही आसान है. आप लोग को बना के दिखाएंगे कैसे बनता है. बहुत ईजी सा है. आप लोग हाथ के बैक साइड पर भी बना सकते हैं और इसको आप लोग अपने डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं. बिगनर्स के लिए है क्योंकि मेरा चैनल जो है वो बेसिकली मेहंदी क्लासेस पे था और बहुत सारे मैं आप लोगों के साथ क्लासेस शेयर कर चुकी हूँ. मैंने कहा क्यों ना आप जो है वो जो मेरी वेटिंग पे हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मेहंदी सीख रही हैं, उनसे मैं उनके लिए भी वीडियोस डाली जाए. ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा है. आप लोग देख सकते हैं डॉट्स डाले और उसके इर्द गिर्द भी हम लोगों ने किस तरह से आउटलाइन क्रिएट किया है. और जिनको मेहंदी लगाना नहीं आती है वो लोग नंबर स्क्रीन पे मौजूद है उस पर कॉन्टैक्ट करके मेहंदी स्टिकर्स को बाय कर सकते हैं इजीली जी. मेहंदी स्टिकर्स भी अवेलेबल हैं. ऐसा नहीं है कि मेहंदी स्टिकर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि दोनों वीडियोज़ डालूँ, क्लासेस की भी वीडियोज़ डालूँ, मेहंदी डिज़ाइंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिनको लगानी आती है, ताकि वो प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस बना सकें. और जिनको लगानी नहीं आती वो स्टिकर्स का यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली. ठीक है, अभी इसके हमने जो है वो इसके इर्द गिर्द भी डॉट्स डालेंगे. बड़ा प्यारा सा ये बड़ी प्यारा सा डिज़ाइन क्रिएट करने जा रहे हैं. फिर इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं डॉट के इर्द गिर्द डबल लाइंस दे देंगे. प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं. बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं. जो इंटरेस्ट रखते हैं मेहंदी सीखने में आप लोग देख सकते हैं. बहुत ईजीली आप लोग मेहंदी लगा सकते हो. बस आप लोगों को कोन की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद डिज़ाइंस तो फिर आपके ऊपर है कि आपने कोई भी डिज़ाइन आप लोग कॉपी कर सकते हैं. मेन चीज़ होती है आपने कोन पकड़ने की प्रैक्टिस करनी होती है. ठीक है, अभी इसके इर्द गिर्द भी छोटी छोटी जैसे पत्ती होती है या आप आउटलाइन कर लें जैसे, इसकी हम लोगों ने दे देंगे सारे जो है ना. आप देखिए वन बाय वन आपने करना है. ऐसा नहीं है कि आपने एक करना है उसके इर्द गिर्द आपने पत्तियां लगा लेनी है फिर आपने दूसरा करना है. नहीं, इस तरह से ना वो छोटा बड़ा हो जाता है. ठीक है जी, पहले आपने जैसे सारे अलग अलग से डॉट्स डाल लेने हैं, फिर आपने उसके इर्द गिर्द लाइन्स देनी है, फिर आपने उसके इर्द गिर्द पत्तियाँ देनी है. मेहंदी लगाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जिनको लगानी नहीं आती उनके लिए वाकई ही मुश्किल काम है. लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करने से आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे. ठीक है, तो अभी हमने इसके इर्द गिर्द जो है वो पत्तियाँ लगाएंगे. पत्तियों के बाद बिल्कुल आप लोगों को पता चलेगा कितना खूबसूरत सा ये खिल के आ जाएगा. ठीक है, देखिए मैंने लाइन्स लगा ली हैं, फिर उसके ऊपर छोटी छोटी सी पत्तियाँ हम लोगों ने ड्रा कर देनी है. तो इस तरह बहुत ही प्यारा सा आप लोग बंच बना सकते हैं. इसको आप लोग कहते हैं ना जो क्या कहते हैं टिक्की शेप में भी आप इसको लगा सकते हैं. बहुत ही प्यारी ये टिक्की लगी हुई भी बहुत प्यारी लगेगी. हाथ के बैक साइड पर भी लगा सकते हैं, फ्रंट पर भी लगा सकते हैं आप लोग. इसके अलावा आप लोग इसको जो है वो बंच शक्ल में भी दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आप लोग बढ़ा के डिज़ाइन को भी बना सकते हैं. बहरहाल मेन मकसद यही होता है कि आप लोगों के साथ डिफरेंट डिज़ाइन शेयर किए जाएं, डिफरेंट जो है वो आप लोगों के साथ ट्रिक्स शेयर किए जाएं कि किस तरह से आप लोग किस तरह से आप लोग मैनेज करके एक अच्छा सा डिज़ाइन आप लोग बना सकते हो. और अगर मेहंदी लगाना नहीं आती तो स्टिकर्स अवेलेबल हैं, ईजिली आप लोग वो बाय कर सकते हो. और मज़ीद प्यारा सा बंच हमारा रेडी है. मज़ीद वीडियो शेयर करेंगे. वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. थैंक्स फॉर watching. Allah Hafiz.